हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्न अकेडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, होप यू आर ऑल फाइन। ओके, तो टुडे सेशन इज ऑल अबाउट कंप्लीट पब्लिक इकोनॉमिक्स। अच्छा, सो क्या बोल रहे हो आप लोग? एडमिट कार्ड आ गया। ओके, एक्चुअली मुझे नहीं पता था, अभी मुझे आपसे पता लगा। पांच दिसंबर तक है एग्जाम आपके, है ना? 5 दिसंबर तक चलेंगे। ओके, सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल भी आ चुका है। वेरी गुड न्यूज़ टू ऑल। तो आप सबकी एक्साइटमेंट, आप सबकी वेट जो है खत्म हुई। इकोनॉमिक्स का एग्जाम 24th को है, वेडनेसडे को। मैंने बताया था 20 से 25 के बीच में एग्जाम होने वाला है। पहली शिफ्ट में एग्जाम है 24 नवंबर को, और 5 दिसंबर तक एग्जाम चलने वाले हैं। यस, वेरी गुड न्यूज टू ऑल। तो डेट शीट मेरे हाथ में आ चुकी है। सो 24 को एग्जाम फाइनल हो चुका है आप सबका। मतलब कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ, तो अपनी तैयारी कस के कर लीजिए थोड़ा सा। मतलब अब एकदम पूरा तैयार हो जाइए। चलो, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ते हैं कंप्लीट पब्लिक इकोनॉमिक्स। मैं ज़्यादा लंबा ये सेशन नहीं लेने वाली, छोटा सा सेशन लेंगे, ठीक है? अपना कॉपी पेन पकड़ लीजिए और जो भी चीज़ें हैं साथ साथ में प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? चलो, सबसे पहले जान लीजिए, ये अन अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। फ्री क्लासेस के लिंक्स यहाँ पे डेली अपडेट होते हैं। इसके अलावा जो अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं, प्लस एंड आइकनिक का प्लान। प्लस एंड आइकनिक, यहाँ पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल रहती है। और मेरा कोड यूज करने से, Simmer10 मेरा कोड है, इसे यूज करने से 10% इंस्टेंट ऑफ भी आपको मिलेगा, ठीक है? तो किसी भी तरह की अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 10% ऑफ लेने के लिए। बक्स बाउंटी मेरा कोड यूज कर सकते हैं 10% ऑफ लेने के लिए। बक्स बाउंटी प्रोग्राम, यू कैन रिपोर्ट एनी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट। ओके, सो जस्ट मूव टुवर्ड्स टुडे सेशन दैट इज बेस्ड ऑन पब्लिक इकोनॉमिक। जस्ट वेट अ मिनट। आप सबको ये क्लियरली विजिबल है सारा? आई नो, आई नो, आपकी एग्जाम की डेट्स आ गई है। बहुत बहुत आपको बधाई हो। I want to just remove the task.
एम आई ऑडिबल टू ऑल? आप मुझे सुन पा रहे हैं? नाउ एम आई ऑडिबल प्लीज? एम आई ऑडिबल टू ऑल? ओके, सो आई थिंक एम आई ऑडिबल. तो अब आपको सारा क्लियर है, सबको क्लियर नजर आ रहा है पब्लिक इकोनॉमिक स्क्रीन पर? चलो, सो स्टार्ट करते हैं. अपना कॉपी पेन भी पकड़ लीजिए. फर्स्टली मार्केट फेलर, वी विल रीड अबाउट मार्केट फेलर. मार्केट फेलर इज अ सिचुएशन इन विच एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट फेयर, ऑफन लीडिंग टू नेट लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. सो मार्केट फेलर का मतलब होता है कि पेरेटो ऑप्टिमिटी की कंडीशंस का सेटिस्फाई ना होना, जो गुड्स एंड सर्विसेज की एलोकेशन है फ्री मार्केट में वो एफिशिएंट नहीं होना, ठीक है, नॉट फेयर एंड नॉट एफिशिएंट, ठीक है, जिससे कि पेरेटो ऑप्टिमिटी की कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई नहीं होंगी बिकॉज एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंट नहीं है, ठीक है. तो कॉजेज ऑफ मार्केट फेलर, कॉजेज ऑफ मार्केट फेलर क्या क्या होते हैं, सबसे पहले इसे पढ़ते हैं. सबसे पहला कारण जो है मार्केट फेलर का रहता है एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम. तो एक्सटर्नलिटी क्या है? एक्सटर्नलिटी मीन्स डिवर्जेंसीज ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट्स, प्राइवेट कॉस्ट प्राइवेट बेनिफिट्स. तो दो तरह की एक्सटर्नलिटीज यहाँ से पढ़िए. फर्स्ट इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. सो व्हाट इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी तब होती है जब किसी भी काम के लिए प्राइवेट कॉस्ट ज़्यादा लगती है और सोशल कॉस्ट कम लगती है, लाइक दैट डायग्राम. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेट कॉस्ट है वो ऊपर है और सोशल कॉस्ट जो है वो नीचे है. दैट मीन्स प्राइवेट कॉस्ट जो है वो सोशल कॉस्ट से ज़्यादा लग रही है ना. तो दूसरी आती है नेगेटिव एक्सटर्निटी. नेगेटिव एक्सटर्निटी इस तरह की कंडीशन है जिसमें प्राइवेट कॉस्ट कम होती है और सोशल कॉस्ट ज़्यादा. तो एक चीज़ देखिए, जब आपकी प्राइवेट कॉस्ट ज़्यादा होगी ना, तो दैट मीन्स जो सोशल बेनिफिट है ना आपका, सोशल बेनिफिट, यहाँ पे देखिए सोशल कॉस्ट कम है तो सोशल बेनिफिट आपका ज़्यादा हो. अगर प्राइवेट कॉस्ट ज़्यादा है तो दैट मीन्स सोशल बेनिफिट ज़्यादा है, ठीक है. अगर आपकी सोशल कॉस्ट ज़्यादा है तो दैट मीन्स सोशल बेनिफिट कम है और प्राइवेट बेनिफिट ज़्यादा है, ठीक है. सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्निटीज. एग्जाम्पल्स इसकी मैंने बहुत बार आपको अलग अलग सेशंस भी दी हुई हैं. अगर आप दोबारा से कोई एग्जाम्पल इसकी लेना चाहते हैं देन आई विल टेल यू, मुझे बता दीजिए प्लीज. नेक्स्ट, दूसरा कारण जो रहता है इसका, दे आर पब्लिक गुड्स. पहला मैंने कारण क्या बताया? मार्केट फिलर का एक्सटर्नलिटी. दूसरा कारण रहता है पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड वो होते हैं जिनमें नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस की प्रॉपर्टीज रहती हैं. यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी. वेट ए मिनट, मैं इसे थोड़ा करके बताती हूँ. देखिए, दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं पब्लिक गुड्स और एक होते हैं प्राइवेट गुड्स, ठीक है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड, डू यू नो? क्लब गुड, क्लब गुड, प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड, मैरिट गुड, डी मैरिट गुड, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ये चार पांच तरह के गुड्स होते हैं. ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक गुड जो होती है नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस होते हैं. क्लब गुड्स जो होते हैं वो नॉन राइवलरस होते हैं बट वो एक्सक्लूडेबल होते हैं, ठीक है. कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं बट राइवलरस होते हैं, ठीक है. प्राइवेट गुड्स जो होते हैं वो एक्सक्लूडेबल भी होते हैं और राइवलरस भी होते हैं. पब्लिक गुड्स की बेस्ट एग्जांपल है एयर, जिसमें हम सांस ले रहे हैं. प्राइवेट गुड्स की बेस्ट एग्जांपल है कोई भी ऐसी चीज जो आप मार्केट से पैसे दे के खरीद रहे हो. क्लब गुड की एग्जाम्पल है थिएटर हॉल, सिनेमा हॉल. कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सिस की एग्जाम्पल है फिशिंग इन ए लेक, लेक में मछली पकड़ना, ठीक है, क्लियर. चलो, नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर गुड किसी दूसरे के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जा सकता. और नॉन राइवलरस का मतलब होता है कि आपकी आपका एक एक्सक्लूसिव राइट है इसकी कंजम्पशन का. अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, दैट इज नॉन राइवलरस, ठीक है. नहीं होगी अवेलेबिलिटी कम, दैट इज नॉन राइवलरस. कम हो जाएगी तो दैट मीन्स राइवलरस. तीसरा कारण मार्केट फेलर का रहता है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन.
असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब कि मार्केट में मार्केट के बिहेवियर के बारे में या बायर को या सेलर को पूरी इंफॉर्मेशन का ना होना। अब जैसे कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में एक तो मॉरल हैजर्ड आएगा, एक आएगा आपका मॉरल हैजर्ड, दूसरा एडवर्स सिलेक्शन, तीसरा प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारी असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की होती हैं। इसमें या बायर को या सेलर को मार्केट की पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं होती, डेट्स वाई मार्केट फिलर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगला कारण है इनडिविजिबिलिटीज। इनडिविजिबिलिटीज का मतलब कि कॉस्ट एंड बेनिफिट्स जो है जब हम डिवाइड नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है कि एक लोकेलिटी का रोड है। अब उस लोकेलिटी का रोड मान लीजिए डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, उसे रिपेयरेंस की जरूरत है। तो क्या हम बता सकते हैं कि कितना रोड किसने यूज किया और कितना रोड किसने, मतलब कौन कितनी कॉस्ट देने के लिए एलिजिबल है? नहीं ना, हमें पता ही नहीं किसने कितना रोड यूज किया। मतलब हम कॉस्ट एंड बेनिफिट को उसकी यूसेज के अकॉर्डिंगली डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को हम लोगों में शेयर नहीं कर सकते। तो इनडिविजिबिलिटीज इज ऑल्सो ए रीजन ऑफ मार्केट फेलर। ठीक है, दूसरा होता है मैं जा बिन जी, मैरिड गुड्स वो होते हैं, मैरिड गुड्स वो होते हैं जो जैसे कि जो सरकार जिन जिन गुड्स को जरूरी कर देती है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन। सरकार को लगता है कि प्राइमरी एजुकेशन सब तक पहुंचनी चाहिए तो सरकार वो जरूरी कर देती है। दीज आर प्राइमरी गुड्स, सॉरी मैरिड गुड्स। डी मैरिड गुड्स जैसे अल्कोहल, गवर्नमेंट को पता है कि जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो हेल्थ के लिए हाजर्डस है, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस लगा देती है। क्लब गुड्स ऐसे होते हैं जैसे थिएटर एंड सिनेमा हॉल्स। क्लब गुड्स में क्या होता है, क्लब गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल सॉरी एक्सक्लूडेबल होते हैं बट नॉन राइवल होते हैं। क्यों? क्योंकि क्लब गुड्स की कंजम्पशन से हम दूसरों को एक्सक्लूड कर सकते हैं। थिएटर में जाना है, आपने टिकट भरी है फिल्म देखने के लिए, तो जस्ट आप ही फिल्म देखेंगे, जिसने टिकट नहीं भरी वो फिल्म नहीं देख पाएगा। दैट्स वाई दे आर एक्सक्लूडेबल। बट नॉन राइवलरस इसलिए होते हैं, आपके फिल्म देखने से दूसरे के फिल्म देखने के चांसेस कम नहीं हो रहे। ठीक है ना, नॉन राइवलरस कि आपका सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट नहीं है उस मूवी पर, सभी का राइट है उस मूवी पर, सभी उस मूवी को देख सकते हैं। ठीक है, तो संजना जी ये डिफरेंस रहता है मैरिड गुड्स एंड पब्लिक गुड्स में। पब्लिक गुड्स में वो सारे गुड्स आते हैं जो पब्लिकली प्रोवाइड होते हैं, जो फ्री होते हैं एकदम हमारे लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। डू यू नाउ अबाउट ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो फ्री राइडरशिप के कारण बढ़ती है। दैट मीन्स टू से कि हम सभी लोग पब्लिक गुड्स का इस्तेमाल करते हैं पर कोई भी उसके लिए कॉस्ट पे नहीं करता। दैट मीन्स हम सब फ्री राइडर्स हैं, हम सब पब्लिक गुड्स का बेनिफिट तो लेते हैं बट वी आर नॉट पेइंग फॉर इट। ठीक है ना, तो फ्री राइडर दैट मीन्स ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ठीक है, फ्री राइडर का जो ये कंसेप्ट है दिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। चलो, सो इंडिविजिबल कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मैंने अभी आपको बताया था, ये नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस होते हैं, जैसे फिश इन ए लेक। क्योंकि एक लेक में जो फिश है किसी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि आप मछली मत पकड़ो। पब्लिक लेक है तो कोई भी आके उसमें मछली पकड़ सकता है, बट अगर एक ने मछली पकड़ ली तो दूसरे के लिए मछलियां कम हो रही हैं। मतलब सबके पास इक्वल राइट नहीं है उस मछलियों को पकड़ने का। अगर एक ने पकड़ ली दैट मीन दूसरे के लिए मछलियां कम हो रही हैं पकड़। ठीक है ना, सो दैट्स वाई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर नॉन एक्सक्लूडेबल बट दे आर राइवलरस। तो ये सारे कारण रहते हैं मार्केट फेलर के। इसके अलावा इनकम्प्लीट मार्केट्स, इम्परफेक्ट मार्केट्स, ये भी मार्केट फेलर के कारण है। लाइक कर दो, ओके, शेयर भी कर दो ना। आप लोग शेयर करोगे तभी ज्यादा ऑडियंस जुड़ेगी ना। तो आप लोग जितना शेयर करोगे उतने ज्यादा लोग आएंगे, उतने ज्यादा लाइकिंग बढ़ेगी, है ना। चलो, सो नेक्स्ट इज पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू इज इनकम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू इट्स सोर्सेज, जैसे टैक्सेस, फी, फाइन्स, पेनल्टीज। पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है, सबसे बड़े पहले पढ़ेंगे टैक्सेस। अब टैक्सेस का एक रहता है कि दे आर क्विड प्रो क्यू, है ना, कि टैक्सेस एक ऐसी पेमेंट है कि उसके बदले में हम गवर्नमेंट से कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं करते।
हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को टैक्स देना, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन बाय पेइंग टैक्सेस। ठीक है, अब जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये नेचर में प्रोग्रेसिव होते हैं, एबिलिटी टू पे थ्योरी के सिद्धांत से डायरेक्ट टैक्सेस बिलोंग करते हैं। एग्जाम में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, एबिलिटी टू पे थ्योरी इज रिलेटेड टू, एबिलिटी टू पे थ्योरी इज रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस और इनकम टैक्सेस बिकॉज देयर बर्डन कैन नॉट बी इम्पोज ऑन अनदर पर्सन। ठीक है, जिसकी जितनी एबिलिटी है पे करने के लिए उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। जिसकी इनकम 5 लाख है टैक्स देगा, जिसकी इनकम 1 लाख है टैक्स नहीं देगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जो सब पे बराबर लगती हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में इनडायरेक्ट टैक्सेस से, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे होते हैं जो सब पे बराबर लगते हैं बट इनका बर्डन पुअर पर ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि जो गरीब है उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है गरीब की, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिच। ठीक है, एक गरीब के लिए 10 रुपए बहुत मायने रखते हैं, एक अमीर के लिए 10 रुपए मायने इतना नहीं रखते, है ना। सो टैक्सेस बराबर लगते हैं, बट अगर एक अमीर को 10 रुपए टैक्स देने पड़ रहे हैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, गरीब के लिए बहुत ज्यादा है। तो दैट मीन्स टू से कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन गरीबों पर ज्यादा है एज कंपेयर टू रिच। क्लियर? ओके, सो एक चीज यहाँ पे मैंने मेंशन की है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज मोर इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का एक डीमेरिट होता है, सिर्फ एक ही डीमेरिट होता है, क्या? कि डायरेक्ट टैक्सेस की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, तो वो तो बाय डिफॉल्ट जब आप चीज लेते हो तो टैक्स पे कर ही देते हो, बट इनकम टैक्स कलेक्शन पे बहुत खर्चा आता है। इनकम टैक्स ऑफिसेस बने होते हैं, स्टाफ इनकम टैक्स के लिए अलग से हायर होता है, इनकम टैक्स इवेड भी सबसे ज्यादा होता है ना। सो इनकम टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस बहुत लगते हैं, बट बाकी सारे डायरेक्ट टैक्सेस के मेरिट्स ही हैं। जैसे ये नेचर में प्रोग्रेसिव होते हैं, तो ऐसा कंट्री जहाँ पे इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है वहां पे डायरेक्ट टैक्सेस बहुत अच्छे हैं इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस का सीधा बर्डन रिच पर पड़ता है। पर यहाँ पे मैं डायरेक्ट टैक्सेस का आपको एक डीमेरिट भी बताऊंगी कि डायरेक्ट टैक्सेस से ना इनोवेशंस, एंटरप्रीनियरशिप कहीं ना कहीं कंट्री में ये कम होती है, क्योंकि जब एंटरप्रीनियर को जब जब उनको पता लग जाए कि ज्यादा मेहनत करने से इनकम बढ़ेगी तो टैक्सेस भी ज्यादा लगेंगे, तो वो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने से दिल चुराने लगते हैं। तो ये भी इसकी ड्रॉबैक हो सकती है कि जिस कंट्री में हमें ज्यादा एंटरप्रीनियर शिप चाहिए, इनोवेशन ज्यादा चाहिए, है ना, तो उस कंट्री में थोड़ा सा जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इन सब चीजों पर। ठीक है जी, क्लब गुड्स की एग्जाम्पल मैंने अभी बताई तो है आपको, थिएटर, सिनेमा हॉल। ओके, सो यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट आ गया आपका एड वॉलरम एंड स्पेसिफिक टैक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड वॉलरम टैक्स? एड वॉलरम टैक्स इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड। मैंने एक आइसक्रीम वाली एग्जांपल समझाई थी आपको प्लस वाले सेशन में, अगर किसी भी लर्नर को याद हो तो वेल एंड गुड, प्लीज बता दीजिए। एड वॉलरम टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स, एड वॉलरम टैक्स जो है ये वैल्यू पे लगता है, स्पेसिफिक टैक्स वेट पे लगता है। ठीक है, अगर किसी कॉमोडिटी का इतना वेट है तो उसको उस पर इतना टैक्स लगेगा। वैल्यू मीन्स इन द टर्म्स ऑफ रुपीज। ठीक है, तो एड वॉलरम रिलेटेड टू वैल्यू, स्पेसिफिक रिलेटेड टू वेट। कॉरपोरेशन टैक्स कंपनीज के प्रॉफिट पर लगता है, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पर लगता है, एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन एंड सेल्स पे लगता है। अच्छा, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन किसने दिए हैं? एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा आता है, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन इज गिवन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने दिए हैं, कौन कौन से कैनन्स दिए हैं उसने, नाम याद रख लीजिए। मैंने याद रखने का तरीका बताया, डबल ई डबल सी, डबल ई डबल सी। ठीक है, कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी एंड कैनन ऑफ कन्वीनियंस, दीज 4 कैनन्स आर गिवन बाय एडम स्मिथ। कैनन ऑफ ई फॉर इक्वालिटी, ई फॉर इकोनॉमी, सी फॉर सर्टेनिटी एंड सी फॉर कन्वीनियंस, सो डबल ई डबल सी। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन से आएंगे? इंटरेस्ट रिसीप्ट्स ऑन लोन्स, रेवेन्यूज फ्रॉम गवर्नमेंट एक्टिविटीज लाइक रेलवे, रिसिप्ट ऑफ करेंसी नोट्स, मिंट एक्सेट्रा।
ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएंगे। उसके बाद आ गया आपका थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, प्लीज याद रख लीजिएगा। बेनिफिट प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया है? इट इज गिवन बाय लिंडर। ठीक है, बेनिफिट प्रिंसिपल मींस कि आप जितने बेनिफिट रिसीव कर रहे हो, टैक्सेस भी उसी प्रपोर्शन में चार्ज होंगे, जैसे कि टोल टैक्स होता है। अगर आप अपनी गाड़ी टोल टैक्स से गुजर रही है आपकी गाड़ी, तो दैट मींस यू हैव टू पे द टोल टैक्स बिकॉज यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ द रोड। बट अगर आप किसी पब्लिक व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा बिकॉज आपकी गाड़ी वो नहीं है, यू आर नॉट टेकिंग द बेनिफिट बिकॉज आपकी अपनी गाड़ी रोड पे नहीं चला रहे, है ना। तो बेनिफिट प्रिंसिपल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद टोल टैक्स। एबिलिटी टू पे थ्योरी गिवन बाय सेलिगमैन, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इनकम टैक्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब होता है इमीडिएट बर्डन ऑफ द टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है अल्टीमेट बर्डन ऑफ द टैक्स। जैसे कि गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर्स पर टैक्स लगाया और प्रोड्यूसर्स ने टैक्स शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर्स पर, तो इम्पैक्ट किस पे था? प्रोड्यूसर्स पर। बट इंसिडेंस किस पे था? कंज्यूमर्स पर। ठीक है, चलो। आगे ना कुछ कंसेप्ट है इसमें, ये याद रख लीजिए ये कंसेप्ट किसने दिया है। जैसे फॉर्मल इंसिडेंस, इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ द टैक्स, ये कंसेप्ट मिसिज यूर्सुला हिक्स ने दिए हैं। मनी बर्डन, डायरेक्ट मनी बर्डन, इनडायरेक्ट रियल मनी बर्डन, डायरेक्ट रियल बर्डन ऑफ टैक्स, टैक्स की बात हो रही है, इनडायरेक्ट रियल बर्डन ऑफ टैक्स, ये कंसेप्ट डाल्टन ने दिए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज थ्योरी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। ठीक है, क्या उल्टा नहीं बोला गगन जी? क्या किसके बारे में बता रहे हैं उल्टा नहीं बोला? भवेश जी, प्रोग्रेसिव टैक्स जो होते हैं वो टैक्स होते हैं जो ज्यादा इनकम होने से ज्यादा लगते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स वो है सिंपली जिसका बर्डन रिच पर ज्यादा होता है। रिग्रेसिव टैक्स वो होते हैं जिनका बर्डन पुअर पर ज्यादा होता है, इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, नहीं, इम्पैक्ट इज द इनिशियल बर्डन, इंसिडेंस इज द अल्टीमेट बर्डन, दिस इज अ करेक्ट। अब ये देखिए, थ्योरीज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्स मॉडर्न थ्योरी मार्शल ने दी है। बड़े ध्यान से ये कंसेप्ट समझिएगा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल होते हैं, डेट मीन्स टैक्स का बर्डन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स पर क्या है? सेम है। ठीक है, दूसरा केस है जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा रहती है, दैट मीन्स टैक्स बर्डन जो है वो बायर पर ज्यादा है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा रहती है, तो दैट मीन्स टैक्स बर्डन किस पे ज्यादा है? सेलर पर ज्यादा है। क्लियर? अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक रहती है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि बहुत ज्यादा, तो पूरे का पूरा बर्डन किस पे पड़ेगा? प्रोड्यूसर पर। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, दैट मीन्स जीरो है, पूरा बर्डन किस पे पड़ेगा? बायर पे। इसी तरह से अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, इनफाइनिटी बहुत ज्यादा है मतलब, ठीक है, सो पूरे का पूरा बर्डन किस पे पड़ेगा? बायर पे। अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो है, दैट मींस पूरे का पूरा, ये जी नहीं है यहाँ पे, ई है यहाँ पे, ठीक है, जीरो है, तो दैट मींस पूरे का पूरा बर्डन किस पे पड़ेगा? सेलर पे। सो प्लीज ये टर्म्स रिवाइज कर लीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज। अच्छा ये देखिए, इससे भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। टैक्स इंसिडेंस का मतलब होता है टैक्स पॉलिसी में चेंज करना, पब्लिक एक्सपेंडिचर को सेम रखना। एक्सपेंडिचर इंसिडेंस का मतलब होता है एक्सपेंडिचर पॉलिसी में चेंज करना और टैक्स को कांस्टेंट रखना, जिससे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो। ठीक है, ये टैक्स इंसिडेंस एंड एक्सपेंडिचर इंसिडेंस, दीज आर इंपॉर्टेंट। एक डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस से आपको एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था। डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूटिंग वन टैक्स फॉर अनदर। ठीक है, एक टैक्स को दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट करना।
ओके सो टेक्स्ट बायोएंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बायोएंसी? टैक्स बायोएंसिंग मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ एंड चेंजेस इन जीडीपी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक बार इससे आपको आया था, मान लीजिए ग्रोथ रेट 90% है और टैक्स रेवेन्यू 45% है, तो यू विल डू 45 ओवर, यहाँ पे 9 आएगा आई थिंक, है ना? 90 90 में ग्रोथ रेट हो ही नहीं सकता, 9 है यहाँ पे, तो 45 ओवर 9 इट विल बी 5। सिंपल कंसेप्ट, ठीक है? तो टैक्स इलास्टिसिटी क्या है? टैक्स इलास्टिसिटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू चेंज इन टैक्स रेवेन्यू इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टैक्स रेट। दैट मीन्स टैक्स रेट में चेंज होने से टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज होता है। दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट टैक्स जो है वो रिड्यूस कर दिया 30 से 25%, ठीक है, तो इससे टैक्स रेवेन्यू पर कितना फर्क पड़ेगा? ठीक है, टैक्स रेट चेंज करने से टैक्स रेवेन्यू में जो फर्क पड़ रहा है दैट इज टैक्स इलास्टिसिटी। एंड टैक्स बायोएंसी मींस चेंजेस इन जीडीपी, टैक्स रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंजेस इन जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर की कुछ थ्योरीज है, जैसे पहली है वैगनर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, ठीक है, देखिए ना मैंने आपको ये दोनों कंसेप्ट बताए तो हैं। टैक्स बायोएंसी मींस, टैक्स बायोएंसी का क्या फार्मूला बताया, चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन जीडीपी। टैक्स इलास्टिसिटी मींस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टैक्स रेट ऑन चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू। दोनों अलग अलग है डेफिनेशंस, ठीक है? ओके, सो देखिए वैगनर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, द लॉ होल्ड्स दैट फॉर एनी कंट्री। देखिए इसका ये मतलब है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ना वो बढ़ता है जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है। जस्ट इस थ्योरी में इंपॉर्टेंस बताई है राइसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर की। से पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, राइसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर जरूरी है कंट्री की ग्रोथ के लिए, ठीक है? मैंने ये आपको थ्योरीज बहुत डिटेल में करवाई हुई हैं प्लस में, है ना? प्लस में जो मेरा फुल कोर्स है इकोनॉमिक्स का, उसमें मैंने आपको कंप्लीट पब्लिक इकोनॉमिक्स करवाई हुई है, जिसमें ये सभी थ्योरीज मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है? सो जो भी प्लस वाले लर्नर्स हैं वहां से देख सकते हैं। पीकॉक वाइसमैन हिपोथेसिस क्या कहता है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो एक स्मूथ मैनर में नहीं बढ़ता, वो एक जर्की स्टेप लाइक फैशन में बढ़ता है, ठीक है? तो उसने तीन तरह के इफेक्ट दिए हैं, डिस्प्लेसमेंट, इंस्पेक्शन एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब कि पहले लेवल ऑफ जो पिछला लेवल है पब्लिक एक्सपेंडिचर, उससे एक हाइयर और एक नए लेवल पर जाना। इंस्पेक्शन इफेक्ट का क्या मतलब है? इंस्पेक्शन इफेक्ट का मतलब है गवर्नमेंट मेक सम इम्प्रूवमेंट्स इन पब्लिक रेवेन्यू बाय एडजस्टिंग टैक्स, दिस विल लीड टू न्यू। इंस्पेक्शन इफेक्ट का मतलब होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ साथ पब्लिक रेवेन्यू में भी चेंज आए, उससे इकोनॉमी एक नए इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाती है। दिस न्यू इक्विलिब्रियम इन पब्लिक फाइनेंस, इसको हम इंस्पेक्शन इफेक्ट बोलते हैं, कि गवर्नमेंट ने इंस्पेक्ट किया कि कहाँ कहाँ पे रेवेन्यू बढ़ाना है, कहाँ कहाँ पे उसका खर्चा बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसे कहाँ कहाँ से रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो वो एक न्यू इक्विलिब्रियम लेवल जिसपे नया टैक्स और नया एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट लगा रही है, वो न्यू इक्विलिब्रियम इन पब्लिक फाइनेंस को इंस्पेक्शन इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है? कंसेंट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज बढ़ने की टेंडेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज की टेंडेंसी से ज्यादा है, ठीक है? टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिविटीज इंक्रीजेस एट ए फास्टर रेट देन स्टेट गवर्नमेंट। कॉलिन क्लार्क हिपोथेसिस क्या कहता है कि अगर 25% से ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दोगे तो उससे इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। दैट मीन्स टू से कॉलिन क्लार्क हिपोथेसिस एक पब्लिक एक्सपेंडिचर का ऑप्टिमम लेवल बताता है 25%, अगर इससे ज्यादा होगा तो इससे इकॉनमी में महंगाई बढ़ेगी। क्लियर? संजना जी किसमें डिफरेंस पूछ रहे हैं? लेफर कर्व, लेफर कर्व एक इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व है जो टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यूज में डिफरेंस बताता है, ठीक है? ये मैं आपको बताती हूँ, ये जो लेफर कर्व है इसका कहने का ये मतलब है कि जब गवर्नमेंट
जीरो टैक्स लगाती है, तो टैक्स रेवेन्यू भी जीरो होता है, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं। जब गवर्नमेंट मैक्सिमम टैक्स लगाती है तब भी टैक्स रेवेन्यू जीरो होता है, क्यों? क्योंकि लोग टैक्स इवेड करते हैं। दिस इज अ कंक्लूजन। तो डैट मीन्स टू से कि टैक्स रेट मिडल में रहना चाहिए ताकि गवर्नमेंट अपना टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर सके। क्लियर? अच्छा, इसके बाद ये देखिए कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर से बहुत बार क्वेश्चन आया है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये फिनले शिराज के द्वारा दिया गया है। मैं बताती हूँ आपके डाउट्स ना, मैं एंड में लेती हूँ, ठीक है? तो फिनले शिराज के द्वारा दिए गए। अब पहले हमने कैनन्स किसके पढ़े थे? टैक्स के कैनन्स एडम स्मिथ ने दिए, चार कैनन्स हमने पढ़े थे। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर के कैनन्स है, शिराज ने दिए हैं। नियम याद रख लीजिए, बेनिफिट इकोनॉमी सेंक्शन सरप्लस, ठीक है? बेनिफिट इकोनॉमी सेंक्शन सरप्लस, BESS। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आते हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे कोई भी किसी भी तरह के एसेट्स क्रिएट नहीं होते। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिससे एसेट्स क्रिएट होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का वो खर्चा आएगा जो गवर्नमेंट सैलरीज देती है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, ठीक है ना? कैप यहाँ जो फेलोशिप्स मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट किसी डेवलपमेंट एक्सपेंसिस पे खर्च कर रही है, रोड्स बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, फ्लाईओवर्स बना रही है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है? मैं आपको जस्ट आप वो स्टफ करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सारा नहीं पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज गिवन बाय। पब्लिक फाइनेंस के प्रिंसिपल किसके द्वारा दिए गए हैं? इट इज गिवन बाय डाल्टन एंड पिगो, ठीक है? डाल्टन एंड पिगो के द्वारा दिए गए हैं। पब्लिक बजट, पब्लिक बजट में है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट दैट मीन्स रिसिप्ट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर, और इसका सरप्लस बजट का इकॉनमी पे कॉन्ट्रेक्शनरी इम्पैक्ट पड़ता है, याद रखिए। दैट मीन्स प्राइजेस कम होते हैं। डेफिशिट बजट दैट मीन्स गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रिसिप्ट से, तो इससे क्या होता है? डेफिशिट बजट से इकॉनमी में पैसा बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, ठीक है? उसके बाद है रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। हाँ, एक ये भी देख लीजिए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है इसमें टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू आते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आती है। जिसको भी ऐसा लग रहा है ना, ब्लर है स्लाइड, आपने अपनी वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई हुई, ये वीडियो फुल HD है, एकदम फुल HD। तो प्लीज़ अगर आप फोन से देख रहे हैं, साइड में 3 डॉट्स नज़र आती हैं, वहाँ पे जाके वीडियो क्वालिटी फुल कीजिए, तब क्लास देखने आइए, फिर बताइएगा अगर ब्लर होगी तो, ठीक है? तो कैपिटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ, मैनी टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट, फिर भी प्रॉब्लम है बता दीजिए, दोबारा से समझा दूंगी। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स एंड नॉन टैक्स, ओके। तो इसके अलावा यस, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है कि बजट को एकदम स्क्रैच से शुरू करना, जीरो से शुरू करना, ठीक है? कि जो हमने पिछले साल खर्चे किए थे उनको मतलब इस साल एज ए कॉन्स्टेंट मान के नहीं चलना, एक नए सिरे से सभी स्कीम्स पे जो खर्चे आने हैं, सब कुछ जो रेवेन्यू मिलना है, एकदम नए सिरे से एनालिसिस करना सब कुछ, दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग। एकदम जीरो मान के, नो रेवेन्यू नो एक्सपेंडिचर, ठीक है? वहां से स्टार्ट करना। तो पीटर फिर के द्वारा यह कंसेप्ट दिया गया था 1970 में। पंप प्राइमिंग का मतलब, पंप प्राइमिंग का मतलब होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर में हाइक करना, ठीक है? पंप प्राइमिंग का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर को एक पंप देना, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है? कि जब गवर्नमेंट अपने खर्चे को बढ़ा लेती है इस मकसद से कि प्राइवेट सेक्टर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, दैट इज पंप प्राइमिंग। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इसलिए बढ़ाती है प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, दैट इज पंप प्राइमिंग। क्लियर?
डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब सरकार गवर्नमेंट अपने कोई चीज़ अपने कोई पब्लिक एसेट्स बेच देती है प्राइवेट सेक्टर को। मान लीजिए एक पब्लिक स्कूल है, गवर्नमेंट ने उसके 50% शेयर किसी प्राइवेट संस्था को दे दिए, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। तो दिस विल बी कैपिटल रिसिप्ट टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की एक कैपिटल रिसिप्ट आएगी। ठीक है, कंसोलिडेटेड एंड कंटिंजेंसी फंड में क्या फर्क रहता है? कंसोलिडेटेड फंड गवर्नमेंट अकाउंट फ्रॉम विच, गवर्नमेंट का वो अकाउंट होता है जिसमें गवर्नमेंट सैलरीज दे पे करती है अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, इसमें अगर कुछ विड्रॉ करना है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। कंटिंजेंसी फंड वो होता है जो एमरजेंसीज के टाइम पे यूज किया जाता है और इसमें कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, बजट के कैनन्स किसके द्वारा दिए गए हैं? तो दीज आर गिवन बाई हैरल्ड डी स्मिथ। ठीक है, ये एडम स्मिथ नहीं है, ये डी स्मिथ है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे डेफिसिट्स के कंसेप्ट लिखे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल डेफिसिट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। बजट डेफिसिट मीन्स कैपिटल प्लस रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट मीन्स फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम नेट इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर हम ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स माइनस कर दें। मोनेटाइज डेफिसिट मीन्स इंक्रीज इन नेट आरबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है याद रखिएगा। मोनेटाइज डेफिसिट दैट मीन्स जो आरबीआई का गवर्नमेंट नेट क्रेडिट, आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, उसमें इंक्रीज होना, दैट इज मोनेटाइज डेफिसिट, जब आरबीआई का क्रेडिट बढ़ जाता है गवर्नमेंट से। फिस्कल डेफिसिट मीन्स कि आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर दो बट टोटल रेवेन्यू में बोरोइंग्स शामिल नहीं करें। फिस्कल डेफिसिट जो होता है ना, ये एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने एक साल में जितना बोरो किया उसके इक्वल आता है। फिस्कल डेफिसिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। सॉरी, मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक साल में 10,000 का टोटल रेवेन्यू प्राप्त किया और गवर्नमेंट का खर्चा आया एक साल में 20,000, और उस 10,000 में मैंने बोरोइंग्स ऐड नहीं की। ठीक है ना, तो 20,000 माइनस 10,000 विल इक्वल टू 10,000। तो डेट मीन्स टू से 10,000 का ही गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट को 10,000 का की कमी हो रही है। बात समझे कि नहीं? फिस्कल डेफिसिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट इन ए ईयर। क्लियर? इस सारे करंट रेट्स का ध्यान से सुनिएगा बात मेरी, सभी बच्चे एकदम कान की खिड़कियां खोल के, कल शाम को 6:30 बजे एक स्पेशल सेशन है आपका अन अकेडमी पर, ये सारे करंट अफेयर्स उसमें करवाने वाली हूँ। करंट पॉलिसी रेट्स क्या चल रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट्स क्या चल रहे हैं, और ट्रेड का क्या सिनारियो चल रहा है, इसके अलावा और क्या होगा आपका, बैंक रेट, रिपो रेट, पॉलिसी रेट, डेफिसिट्स, सब कुछ एक सेशन में कल शाम को 6:30 से 7:30 है सेशन। प्लीज सभी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए सेशन, वो देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन पक्के उस सेशन से आने वाले हैं। ठीक है, सो कल शाम को 6:30 बजे मैंने स्पेशल वो सेशन अरेंज किया है लर्नर्स की डिमांड पे, जस्ट जिसमें हम करंट डाटा पढ़ेंगे। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म की कमेटीज देख लीजिए। अच्छा, टैक्स रिफॉर्म कमेटी से याद आया, मंडे को आपके लिए एक सेशन आने वाली हूँ शाम को 6 बजे, जिसमें मैं आपको इंडियन इकोनॉमी की सारी मेजर कमेटीज करवाने वाली हूँ। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की पॉवर्टी कमेटीज, ब्लैक मनी कमेटीज, टैक्स रिफॉर्म कमेटीज, सारी कमेटी मंडे को 6 बजे यूट्यूब पे सेशन होगा, उसमें करवाने वाली हूँ। हाँ, ये सारे रेट्स होंगे CRR SLR। तो टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन 1925, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका देखिएगा, बिल्कुल क्रोनोलॉजी में ही मैंने लिखी हुई है। ठीक है, अगर आपको डेट्स याद नहीं रहती तो प्लीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रख लीजिएगा, एग्जाम में डेट्स नहीं पूछी जाती, एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी आई, फिर कैल्डर आई, फिर वेंचू कमेटी, एलके झा कमेटी, चिलिया कमेटी, रेखी कमेटी, और सबसे एंड में कैलकर कमेटी है। अब वेंचू कमेटी को दूसरे नाम से जाना जाता है, दिस इज डायरेक्ट टैक्स टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी।
एलकेजा कमेटी का दूसरा नाम है इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी। अच्छा, मैंने इसे कैसे याद किया था मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आ गया इंडिया का टैक्स, उसके बाद इंडिया का टैक्स आने के बाद डायरेक्ट टैक्स आया, डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट टैक्स आया, इनडायरेक्ट टैक्स के बाद आ गया सीवी रमन। देखो, इंडिया का टैक्स, इंडिया के टैक्स के बाद डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के बाद इनडायरेक्ट टैक्स। सीवी रमन एक बहुत साइंटिस्ट का नाम है, बहुत फेमस साइंटिस्ट है ये। उसका नाम जो उल्टा कर दिया, CRV कर दिया, सीवी रमन है उसका नाम, दैट मीन्स TVR। तो CVR को थोड़ा सा बदल के दैट विल बिकम CRV। तो मैंने इस तरह से ये कमेटीज याद रखी थी, मुझे नहीं पता आपको जैसे भी याद रखनी है रख लीजिएगा। तो मुझे इस तरह से ये कमेटीज याद रही थी कि जब इंडिया के टैक्स की बात आए सबसे पहले आएगा, देन डायरेक्ट टैक्स आएगा, देन इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, उसके बाद CVR की बजाय CRV बना देंगे बस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए फाइनेंस कमीशन कब आई, आर्टिकल 280 में। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट कब आया, 2003 में। GST वन नेशन वन टैक्स कब आया, 2017 में। इसकी स्लैब्स क्या है, 05, 12, 18, 28। ठीक है, ओके। सो आई थिंक इट विल बी एंड, यस, सो इट इज एंड ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स। अच्छा, आप बताइए जो डाउट्स हैं आपके वो हम अब दूर करते हैं। सो मैंने मेजर सारे टॉपिक्स आपको पब्लिक इकोनॉमिक्स के करवा दिए हैं इसमें। अब अपने डाउट्स पूछिए, बिकॉज आप क्लास के दौरान डाउट्स पूछते हैं तो फिर वो जो मुझे पढ़ाना होता है वो भूल जाता है आपके डाउट्स के चक्कर में। आप पूछ लीजिए जो डाउट्स पूछने। दो मिनट में क्लास खत्म करने वाली हूँ क्योंकि ठीक 7 बजे प्लस पे क्लास है। इसकी PDF तो प्लस पर है, अभी यहाँ पे मैं सेंड नहीं कर, कैसे कर सकती हूँ सेंड, बताइए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी लेके आएंगे। हाँ, अभी डेट्स आ गई हैं। सुबह मैंने एक 7 बजे क्लास ली थी, UGC नेट रामबाण, मिस्टेक्स टू अवॉइड, काइंडली वॉच दैट सेशन। पब्लिक इकोनॉमिक्स में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, विजय केलकर कमेटी 2002 में आई थी जी। विजय केलकर कमेटी भी बोलते हैं इसे, और सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बोलते हैं, 2002 में। नहीं अंकिता जी, मैं नहीं दे रही, बिकॉज आई डोंट नीड दैट, आई एम डूइंग माई PhD ओनली। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भी है मैराथन आपका अगले हफ्ते है, 18 तारीख से पहले पहले मैं आपके सारे मैराथन्स करवाने वाली हूँ, पब्लिक माइक्रो। अच्छा, कल है, अभी कल की क्लासेस देखिए मजेदार वाली। कल सुबह 10 बजे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैराथन है, 1-2 घंटे की क्लास चलेगी, कंप्लीट माइक्रो करवाऊंगी उसमें, मतलब कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स।
शाम को कल 5 बजे मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट, ओके और शाम को 6:30 बजे करंट डाटा। 3 क्लासेस हैं कल। ओके, कल है माइक्रो मैक्रो। चलो ठीक है जी, सो फिर इस सेशन को खत्म करते हैं। ठीक 7 बजे आपका प्लस का सेशन भी है। स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं मेरी आप अनअकैडमी पर। मेरा कोड है सिमर 10। इस कोड के थ्रू अनअकैडमी की किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ ले सकते हैं। आप में से जो बच्चे भी डेडिकेटेड है ना एग्जाम के लिए, सच में बता रही हूँ, प्लस पे मेरा एक कोर्स कंप्लीट हुआ था कुछ महीने पहले, पिछले साल स्टार्ट किया था मैंने वो कोर्स। उसमें मैंने आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स करवाई हुई है, माइक्रो से लेके इंडियन इकोनॉमी तक सारे यूनिट्स करवाए हुए हैं। ठीक है, सो अगर आप शिद्दत से इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस करना चाहते हैं तो उस कोर्स में आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। सिर्फ उसमें आपको करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, बिकॉज वो पिछले साल का कोर्स था, तो आपको लेटेस्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, सो उस कोर्स को कर लेते हो तो यकीन मानिए 100 में से 90% गारंटी देती हूँ आपका नेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो बिकॉज उस कोर्स में मैंने आपको इस तरह से पढ़ाने की कोशिश की है जिस तरह से मैंने पढ़ा है अपने नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, सो सब्सक्रिप्शन के लिए कोड यूज कर सकते हो सिमर 10 इंस्टेंट 10% ऑफ। कल की स्पेशल क्लास 6:30 बजे देखना मत भूलिएगा। पहली बार देखेंगे तो यही इनवाइट कोड यूज करके अनलॉक करना है। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा सेशन को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।